नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी और निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो हम इसमें देखेंगे इसके लेवल पे कल हमको यहाँ पर कौन से ट्रेड करने हैं, किन ट्रेड्स को हमको अवॉइड करना है। तो आज हम ये सब चीज़ें देखेंगे। तो आज जो है निफ्टी में 24 पॉइंट की गिरावट हुई है। तो वैसे मेरा अनुमान था कल, ये जो मैंने एक फ्लैग पैटर्न टाइप का बन रहा है, ये जो मैंने पैरेलल लाइनें जो खींच के रखी हुई हैं, कल इसने जो है यहीं पर एक सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के बाद जो है मेरा व्यू था, अगर ये लास्ट डे के हाई को तोड़ता तो इसमें मूवमेंट एक अच्छी आनी थी, बट इसने फिर आज एक रेड कैंडल बना दी है। तो ये मैं एक रेड कलर की लाइन है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं सपोर्ट, तो ध्यान रखिएगा निफ्टी जब तक इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर है, जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर है तब तक निफ्टी बुलिश है। जब भी इस सपोर्ट को तोड़ देगी, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को तोड़ देगी, तो निफ्टी में जो है एक भारी बिकवाली आ सकती है। तो निफ्टी में जो है संभल कर ट्रेड करिएगा, क्योंकि निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के नजदीक में जो है ट्रेड कर रही है। तो आइए अब हम देखते हैं हमारे निफ्टी में जो स्टॉक्स हैं उनमें हमने कल क्या करना है। तो ये देखिए, पहला है हमारा अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट ने भी कल इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया और आज जो है ऊपर, इसके ऊपर निकल कर जो है फिर इसने नीचे ही क्लोजिंग दे दी है, तो इसको अवॉइड करें। नेक्स्ट हमारा है एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स ये देखिए, ये जो मैं ऊपर मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, इसी लेवल पर ये काफी टाइम से सस्टेन कर रहा है। और जब तक ये 1744 या 1750 जब तक नहीं निकालता तब तक इसमें कोई अच्छी मूवमेंट नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारा है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक भी देखिए, ये जो है ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर ही अपने रुका हुआ है, 730 पर ही सपोर्ट है इसका, अच्छा सपोर्ट है, 730 से ही सपोर्ट ले रहा है। और अगर इसको यहां से बाउंस बैक करना है तो ये बहुत अच्छी जगह है एक्सिस बैंक के लिए। अगर यहां से बाउंस बैक लेते हैं तो इसमें हमारा जो टारगेट होगा वो 750 का और उसके बाद 790 रुपये का होगा। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो ने भी जो है ये देखिए एक चैनल में कंटिन्यू जो है ये ट्रेड कर रहा है। तो ये देखिए यहां पर ऊपर गया, यहां पर नीचे आया, तो इसमें भी एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बना जो मैंने ऊपर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी हुई है, इसका ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद फिर ये अपने ये जो है कितना आ गया, नियर अबाउट 3300 के लेवल पर ये सस्टेन करने लगा। उसके बाद फिर इसी ट्रेंड लाइन पर आके देखिए इसने सपोर्ट लिया, और इसके बाद जो है इसने 2 दिन पहले एक काफी अच्छी बुलिश कैंडल बनाई थी, तो उसमें 3240 पर मैंने ये कॉल भी दी थी कि 3240 के ऊपर जैसे निकलता है तो इसमें ट्रेड किया जा सकता है, इसमें मैंने पर्सनली ट्रेड भी लिया था। तो अब इसमें ध्यान रखना है कि जब तक ये स्टॉक 3300 रुपये 3300 रुपीज के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तब तक इसमें हमने इसमें कोई पोजीशन नहीं बनानी है। तो एक और बात जो है ध्यान रखने वाली है कि जो है ये देखिए यहां पर जो आरएसआई है, आरएसआई एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बना रहा है। ये देखिए स्टॉक देखिए यहां पर जो है, और ये अपने कितने के लेवल पर है, 71 के लेवल पर स्टॉक अभी फिर यहां पर है, और ये जो है अब अपना लेवल जो है 62 का लेवल है। तो इसमें इस चीज का ध्यान रखिएगा, डाइवर्जेंस काम कर सकता है, डाइवर्जेंस बहुत अच्छे से काम करता है। तो इसमें देखना, जब तक ये 3300 के ऊपर नहीं निकलता तब तक इसमें ट्रेड कोई मत बनाइए, अदरवाइज इसमें जो है मैं अब इसमें जो है बीरिश हो चुका हूं। नेक्स्ट हमारा जो है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस भी जो है ये ट्रेंड लाइन में डिलीट कर देता हूं। तो ये देखिए बजाज फाइनेंस जो है इसने अपने 3870-75 के लेवल पर इसने सपोर्ट लिया है। अगर कल का ये हाई ब्रेक करता है तो इसमें जो है 4070 रुपये के लिए ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है बजाज फिंजर। तो बजाज फिंजर में अब जो है जरा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए मैंने एक सपोर्ट लाइन एक ड्रॉ करके रखी हुई है, तो अभी इसी सपोर्ट लाइन के इर्द गिर्द जो है ये ट्रेड कर रहा है। तो इसमें जब तक 9200 का लेवल नहीं निकालता है तब तक हमने इसमें कोई पोजीशन नहीं बनानी है। नेक्स्ट है हमारा बीपीसीएल। तो बीपीसीएल देखिए ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी थी, तो इस ट्रेंड लाइन को इसने जो है ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जो है इसने फिर एक ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर गया, और अभी जो है नेक्स्ट फिर उसी लेवल पर ये अब ट्रेड कर रहा है। मैं आपको सपोर्ट इसके ड्रॉ कर दिखा देता हूं। तो यहां पर ये अभी कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही ये 485 का लेवल ब्रेक करता है, 487 का लेवल ब्रेक करता है, तो इसमें हमारा पहला टारगेट होगा जो होगा वो होगा 478 का, और दूसरा टारगेट जो होगा इसमें 467 का होगा। नेक्स्ट हमारा जो है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल भी देखिए काफी
अच्छी मूवमेंट भारतीय एयरटेल में हुई है। पीछे भी जो है इसने एक चैनल ब्रेक किया था, तो उसमें नियर अबाउट 22-25% की मूवमेंट आई थी, और इधर भी ये चैनल ब्रेक करने के बाद इसमें काफी अच्छी मूवमेंट आ गई। तो अब इसमें जो है अलर्ट रहना है, क्योंकि यहां पर देखिए इसने एक जो है काफी अच्छा पिन बार बनाया हुआ है। तो कल कल अगर ये 400 कितना इसका लो लगा हुआ है भाई, 445, अगर 445 का कल ये लेवल ब्रेक करता है तो इसमें कल एक अच्छी बिक वाली आ सकती है। इंट्राडे के लिए इसमें मेरा टारगेट रहेगा 436 का, और पोजिशनल के लिए मेरा टारगेट है 420 का। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज इंफ्राटेल। इंफ्राटेल में भी काफी जो है बीरिश पैटर्न बना हुआ है, तो इसमें ध्यान रखना है 238। 238 के नीचे जैसे ये ट्रेड करने लग जाए तो इसमें जरूर इसमें जो है अपना इंट्राडे के लिए या फिर पोजिशनल आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया भी देखिए काफी दिनों से जो है इसी लेवल पर सस्टेन कर रहा है। ये लेवल जो है 3020 के नियर अबाउट है, तो 3020 के 3020 और ऊपर जो है 3120, तो ये 100 रुपए के अंदर ही जो है ये कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। इसको मैं इधर कर देता हूँ, 100 रुपए के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है, जैसे ही ये 100 रुपए का डिस्टेंस ये तोड़ेगा जो, या 3120 तोड़ता है, तो हम इसमें हमारी बाइंग पोजीशन बनेगी। अगर ये 3020 तोड़ता है तो हमारी जो है इसमें सेल पोजीशन एक्टिवेट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो है सिप्ला। तो सिप्ला में जो है एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ड्रॉ करके देखूं जरा मैं, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन बन रही है। तो ये देखिए आज इसने जो है एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया है। तो अगर मैं आपको बता देता हूँ इसमें लेवल, अगर 470 के ऊपर ही सस्टेन करने लग जाता है तो इसमें जो है 483 के लिए पोजीशन आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कोल इंडिया। तो कोल इंडिया भी देखिए अभी ये जो मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, ये देखिए अभी सपोर्ट पर ये कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है। एक सपोर्ट लिया, दो सपोर्ट लिया, और आज जाकर इसने ये तीसरा सपोर्ट लिया। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अगर ये कोल इंडिया 195 का लेवल ब्रेक करता है कल, तो इसमें जो है हम इमिडिएटली हम इसमें 188 और 199 का लेवल इसमें हम कल देख सकते हैं। तो इसमें जो हमारा इंट्राडे का जो हमारा प्रोग्राम होगा वो 195 के नीचे होगा। 195 के नीचे निकलते ही इसमें ट्रेड आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डी ये देखिए, इसको टच कर देता हूँ। डॉक्टर रेड्डी भी जो है अभी कंटिन्यू ये देखिए एक ही लेवल पर आके 4 दिनों से रुक रहा है, 2850। अगर ये 2850 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो इसमें हम जो है 2800 का लेवल देख सकते हैं। और दूसरी बात ध्यान रखिए, अगर ये जो है 2890 का लेवल ब्रेक करता है तो हम इसमें जो है 2920 और उसके बाद जो है 2972 का लेवल इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है आयशर मोटर। तो आयशर मोटर भी जो है अब ये देखिए इसके लिए एक काफी बहुत तगड़ा सपोर्ट है 21,210 का। तो अगर 21,210 का 21,200 का अगर ये ब्रेक करता है तो इसमें जो है बहुत तेजी मंदी देखी जा सकती है, जिसमें 19,853 का लेवल हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेल। तो गेल में फिलहाल मेरा कोई व्यू नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ग्रासिम। तो आज ग्रासिम मैंने जो है आज अपने टेलीग्राम चैनल पर भी कॉल दी थी, इसकी सेल कॉल मैंने दी थी नियर अबाउट 775 पर दी थी, और इसने जो है आज का जो लो बनाया है वो लो बनाया है 766 रुपये का, नियर अबाउट 9 से 10 रुपये का जो है इसमें आज हमने प्रॉफिट बुक किया है। तो ये देखिए एक मिनट ट्रेंड लाइन इसमें आगे की तरफ ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसमें ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट हमारा जो है अगर ये आज का लेवल ब्रेक करता है तो इसमें जो है हम 760 का लेवल कल देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो HCL टेक। तो HCL टेक भी जो है देखिए इसको मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, इसलिए जो है इसमें मैंने कोई भी ड्रॉइंग नहीं करके रखी हुई है। तो ये HCL टेक ये एक आ रहा है, ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये देखिए ये ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, जब तक ये ट्रेंड लाइन के बाहर नहीं निकलता है तब तक इसमें हमने अपनी कोई पोजीशन नहीं बनानी है। नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन यहां से मैं ड्रॉ करके रख देता हूँ शायद, ये देखिए 495 से जो है ये ट्रेंड लाइन। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अगर ये लेवल टूटता है 550 का लेवल टूटता है तो इसमें जो है हम 530 का लेवल बहुत जल्दी देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक जो है आज इसने जो है बैंक निफ्टी को काफी वीक किया। तो इसमें जो है ये देखिए कल भी इसने एक पिन बार कैंडल बनाई थी, तो ऐसा लगा कि सपोर्ट से इसने पिन बार कैंडल बनाई है, तो हाई ब्रेक करने के बाद जो है कुछ ऊपर जाएगा, बट इसने जो है सवेरे से ही आज कंटिन्यू इसमें बिकवाली रही। तो इसलिए HDFC में जरा संभल के ट्रेड करिएगा। और नेक्स्ट हमारा हीरो मोटो। हीरो मोटो कंटिन्यू जो है ये देखिए
नीचे ही नीचे चला जा रहा है। यहां पर इसने देखिए पिन बार बनाई थी 23 सितंबर 2019 को, और 23 सितंबर जैसे ही इसका तो 2770 का लेवल टूटा था, 2770 के आज आज देखिए आज हमने 2400 का भी लेवल देख लिया। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अगर कल ये 2400 के नीचे ट्रेड करने लग जाता है तो इसमें हम बहुत जल्दी 2360 के लेवल देखेंगे। हम मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, 2400 का लेवल टूटते ही इसमें हम जो है 2360 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा हिंडाल्को, तो हिंडाल्को मेरा कोई व्यू नहीं है। नेक्स्ट है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी देखिए एक ही यहीं पर आके सपोर्ट ले रहा है कंटिन्यू, काफी दिनों से यहां पर रुका हुआ है। अब जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा, 2020 का लेवल ब्रेक होगा, तो इसमें जो है हम 1936 का लेवल बहुत जल्दी देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा एचडीएफसी, ये देखिए एचडीएफसी भी कंटिन्यू 3 दिन से पिन बार ही बना रहा है, कंटिन्यू ये देखिए 3, 4, 5 कंटिन्यू 3 दिन से पिन बार बना रहा है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे ही एचडीएफसी आज के हाई को ब्रेक करता है, नियर मीन्स 2231 को ब्रेक करता है, तो कल इसमें जो है हम 2250 का लेवल देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा आईसीआईसीआई बैंक, ये देखिए ये बैंक जो है धूम मचाता हुआ चले जा रहा है, हाई पे हाई, हाई पे हाई, बट अब जो है हमको अलर्ट हो जाना है। ये देखिए इसने जो है बियरिश पिन बार एक बनाई है, तो इसके तो इसमें जो है बाइंग करने से आप बचिए, और मेरे हिसाब से तो आप इसमें कल सेल के लिए देखिए 526 रुपए के नीचे। तो इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 519 और 520 के नियर अबाउट। नेक्स्ट है हमारा आईटीसी, तो आईटीसी भी देखिए इसने जो है ये देखिए एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी, तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ 250 पे, तो यहां पर देखिए हमको 242 रुपए नियर अबाउट 8 रुपए का हमको प्रॉफिट यहां पर मिला। इसको मैं डिलीट कर देता हूं और इसका काम खत्म हो गया, और अब मैं यहां पर एक सपोर्ट ड्रॉ कर देता हूं। तो ये देखिए ये इसका एक सपोर्ट है, लास्ट टाइम भी इसने यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया था, और अगर आईटीसी को यहां से अगर ऊपर जाना है तो बहुत सही जगह पे ये खड़ा है बाउंस बैक करने के लिए। और कल अगर ये 247 के ऊपर ट्रेड करता है तो हम इसमें 250 के लिए इंटरमीडिएट ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आईओसी, आईओसी को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है हमारा इंडसइंड बैंक, तो इंडसइंड बैंक देखिए इसने जो एक फेक ब्रेकआउट दिया था, ये देखिए यहां पर एक फेक ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद कंटिन्यू जो है ये नीचे चला आ रहा है। अगर कल को ये अपना आज का लो ब्रेक करता है तो इसमें हम कल 1480 और 1400 नियर अबाउट एक मिनट 14 पहले 1500 और फिर 1480 के लेवल इसमें बहुत जल्दी देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा इन्फी, तो ये देखिए इन्फी ने जो है ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है आज इसने ब्रेकआउट दिया है, तो कल इसमें ध्यान रखना, अगर कल ये आज का हाई ब्रेक करता है 715.90 रुपए ब्रेक करता है तो इसमें हमारा पहला टारगेट जो होगा 722 रुपए का होगा और अगला टारगेट 733 रुपए का होगा। इंट्राडे की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। और जीएसडब्ल्यू स्टील छोड़ दीजिए। कोटेक बैंक, कोटेक बैंक में जो है ब्रेकआउट एक हुआ था, ये देखिए यहां पर जो है 1635 के नियर अबाउट यहां ब्रेकआउट हुआ था, तो इसमें मैंने जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर भी जो है बता रखा है, जब तक ये 1650 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक इसमें हमने कोई पोजीशन नहीं बनानी है। तो ये देखिए आज भी इसने जो क्लोजिंग दी है 1649.30 रुपए, हमने वेट करना है जब ये 1650 के ऊपर ही क्लोजिंग दे दे, 1650 के ऊपर की क्लोजिंग इसको 50 से 100 रुपए की मूवमेंट जरूर दिलाएगी। नेक्स्ट हमारा एलटी, तो एलटी भी जो है कंटिन्यू, अब देखिए ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, अब हमको देखना है ये जो हमारी सपोर्ट लाइन ड्रॉ नीचे हुई है, अब यहां पर वैसे एक कैंडल बनाई तो है, देखिए अब कल मेरे ख्याल से यहां पर इसको 3-4 दिन 5 दिन कंटिन्यू सस्टेन करना चाहिए, उसके बाद अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है फिर हम इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एमएनएम, इसमें मेरा कोई व्यू नहीं है। नेक्स्ट है हमारा मारुति, तो मारुति भी जो है देखिए ये अपने ये जो लास्ट टाइम जहां पर सपोर्ट दिया था, सॉरी मैं इसको डिलीट कर दूं पहले, लास्ट टाइम देखिए ये सपोर्ट जो लिया था अभी बिल्कुल एग्जैक्टली वहां पर खड़ा है, अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो इसके बाद ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहां पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के बाद मेरे हिसाब से यहां से मारुति बाउंस बैक कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा एनटीपीसी, एनटीपीसी में देखता नहीं हूं। नेक्स्ट है हमारा नेस्ले, तो नेस्ले के लिए जो है ये लेवल 1420 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये 1420 का लेवल 1420 का लेवल तोड़ता है तो इसमें एक भारी बिक वाली हम देख सकते हैं, ऊपर की तरफ हम देखेंगे 14690 के ऊपर। नेक्स्ट हमारा जो है रिलायंस, तो रिलायंस भी देखिए इसमें मैं सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देता हूं, यह है सपोर्ट लाइन रिलायंस के लिए, तो 1535, अगर ये 1535
अभी तो जो है ये देखिए नियर अबाउट 10 दिनों से यहीं पर इसी लेवल पर सस्टेन कर रहा है, 1535 और 1614 के बीच में जो है ये सस्टेन कर रहा है। तो जैसे ही 1535 का लेवल नीचे ब्रेक करेगा तो यहां पर देखिए यहां पर एक दिन ये गैप अप ओपन हुआ है, तो ये गैप अप भरने के लिए जरूर आ सकता है। तो इसमें हमारा टारगेट 1511 रुपये का रहेगा जैसे ही ये 1535 का लेवल ब्रेक करेगा। नेक्स्ट है हमारा SBI बैंक। तो SBI बैंक भी देखिए, ये देखिए एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, तो इसी ट्रेंड लाइन पर जो है 1, 2, 3, 4 दिनों से कंटिन्यू इसी पर सस्टेन कर रहा है। इसमें हम अपनी बाइंग पोजीशन बनाएंगे 350 के ऊपर, 350 के नीचे हम इसमें जो है बाइंग पोजीशन नहीं बनाएंगे। बाकी इसमें जो है एक ये सपोर्ट भी मैंने ड्रॉ कर रखी हुई है, इसका भी सपोर्ट इसको मिल रहा है, एक इसका सपोर्ट है और एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो इसको अब हम देखेंगे 350 के ऊपर कोई अगर पोजीशन बनानी होगी तो। नेक्स्ट है हमारा सन फार्मा, तो सन फार्मा भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट है TCS, तो TCS देखिए ये देखिए आज जो है इसने यहां पर एक ब्रेकआउट दिया है, तो इसमें कल जो है नजर बनाकर रखिएगा। ऊपर से भी मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये ट्रेंड लाइन ठीक है जी। तो ये देखिए इसने जो है इसका अपना रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया है और ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है, तो इसमें जो है कल खास तौर पर नजर बनाकर रखिएगा। जैसे ही 2125 के ऊपर ये ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है, 5 से 10 मिनट सस्टेन कर जाता है, तो इसमें कल ही जो है हम 2150 का लेवल बहुत जल्दी देखेंगे। ध्यान रखिएगा 2125 के ऊपर, 2125 के ऊपर जैसे ही निकलेगा हम इसमें जो है इंट्राडे में ही 2150 का लेवल देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा टाटा मोटर। टाटा मोटर भी जो है एक फ्लैग पैटर्न में चल रहा था। हाँ ये देखिए टाटा मोटर, ये देखिए ये फ्लैग पैटर्न में चल रहा है, तो इसने कल जो है ब्रेकआउट दिया था और ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया, तो आज इसने एक बेयरिश कैंडल बना दी है। तो इसमें जो हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 172.30 रुपये, तो हम इसमें 173 रुपये के ऊपर, अगर हमें को इंट्राडे की ट्रेडिंग भी करनी है तो 173 रुपये के इसमें हम 173 रुपये के ऊपर देखेंगे। उस नेक्स्ट है हमारा टाटा स्टील। तो टाटा स्टील देखिए ये इसके लिए एक ये जोन है, जब टाटा स्टील को भी छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम को सभी स्टॉक में एनालिसिस करनी है, सभी स्टॉक में ट्रेड करने हैं। हमारा एनालिसिस जिस ट्रेड पर हमको शूट करता है हमको सिर्फ वो करना है, हमने जबरदस्ती किसी में ट्रेड नहीं करनी है। ये देखिए टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा भी देखिए कंटिन्यू एक चैनल में चल रहा है, तो ये चैनल में जो है आज ये देखिए इसने सपोर्ट यहाँ पर 3 दिन पहले लिया था और उसके बाद फिर कंटिन्यू यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो कल का इसमें ट्रेडिंग प्लान रहेगा, अगर ये आज के हाई को ब्रेक करता है तो इसमें हमारा टारगेट रहेगा 772 रुपये और 772 के बाद फिर 780 रुपये। नेक्स्ट है हमारा टाइटन। टाइटन भी जो है ये देखिए इसने ब्रेकआउट दिया था, बट ये जो है देखिए आज इसने एक पिन बार कैंडल बना दी है, तो टाइटन को भी हम देखेंगे 1200 रुपये के ऊपर जब कंटिन्यू सस्टेन करने लग जाए तब, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट है हमारा यूपीएल, तो आइए यूपीएल को देखते हैं। यूपीएल में हमारा जो ट्रेड बनेगा वो ट्रेड बनेगा यहां पर, ये देखिए ये लेवल जो है 582 रुपये का, जब ये 582 रुपये के ऊपर ट्रेड करेगा फिर हम यूपीएल को देखेंगे, अदरवाइज को नहीं देखेंगे। ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं। अगर ये देखिए 561 रुपये का लेवल तोड़ता है तो ये 555 रुपये का लेवल दिखा सकता है, अगर ये ऊपर की तरफ 582 का लेवल तोड़ेगा तो फिर इसमें जो है हम अपनी पोजीशन बनाएंगे 610 रुपये के लिए। नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रा टेक सीमेंट। तो अल्ट्रा टेक सीमेंट भी ये देखिए जो मैंने ऊपर से ट्रेंड, मैं इसको जो है डार्क कर देता हूं तो आप लोग को अच्छे से पता चलेगा। तो ये देखिए ऊपर से जो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी हुई है, तो कंटिन्यू जो है इसी पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहां पर 3 बार कैंडल बनाई, अगर आज, हाँ आज भी इसने 3 बार कैंडल ही बनाई है, अगर कल ये आज के लो को ब्रेक करता है तो इसमें हमारा जो है टारगेट रहेगा 4050 रुपये का। नेक्स्ट हमारा है वेदांता, तो वेदांता में भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट है विप्रो, विप्रो में भी ध्यान रखिए इसने जो है यहां से एक सपोर्ट लेकर, ये एक सपोर्ट यहां भी एक छोटा सा बनता है, यहां भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखिए। तो यहां पर सपोर्ट लेके इसने जो है ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया है, तो इसमें हमारा जो है कल का ट्रेडिंग प्लान रहेगा, अगर 245 रुपये के ऊपर निकलता है तो 247 रुपये इसमें हमारा कल का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा यस बैंक। यस बैंक में तो फिलहाल अभी ट्रेडिंग ना करिए तो ही ठीक है, क्योंकि यस बैंक मेरे हिसाब से काफी मैनिपुलेटिंग हो रही है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहां पर मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रखी थी, यहां पर देखिए इसने जो है एक बुलिश सिग्नल दिया था, बट आज फिर जो है इसने एक अनडिसीजन टाइप की कैंडल बनाई। तो यस बैंक में जो है पोजीशन भी मत लीजिए और यस बैंक में ट्रेडिंग
ट्रेडिंग करने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक एक दिन में 34-35% चल जाता है, और जिस दिन गिरता है उस दिन भी बहुत जबरदस्त गिरता है। तो इसको जो है आप ट्रेड करना रहन दीजिए, बहुत सारे स्टॉक पड़े हैं ट्रेड करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा झील। तो झील ने जो है देखिए, ये जो मैंने चेक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, तो 284-285 पर इसने कल जो है एक अनडिसीजन टाइप की कैंडल बनाई थी। तो आज जो है, आज इस कैंडल का आज इस पिछली कैंडल को इसने आज ब्रेक किया है। तो इसमें हमारा ट्रेडिंग प्लान कल के लिए रहेगा, जैसे ये 300 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है तो इसमें हमारा जो है टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा 307 रुपये, और 307 रुपये के बाद 323 रुपये। तो दोस्तों जो है मैंने ये निफ्टी की भी सीरीज शुरू की है, तो मैं निफ्टी के ऊपर भी, निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके ऊपर वीडियो बनाया करूंगा। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जो भी मेरे नए दोस्त सज्जन मित्र मेरे चैनल को देख रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। और एक मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो मैं वहां पर जो है पोजिशनल कॉल भी देता रहता हूँ, वहां पर इंट्राडे की कॉल भी देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है ये है कि मैं उसमें जो है अपने चार्ट की एनालिसिस पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखनी है, तो आप मेरा चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जो है मैं सारे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताता हूँ, उसमें जो है चार्ट मैं पोस्ट करता हूँ। तो आप उस चार्ट को देखकर, अगर आपको मान लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी नहीं आती है, तो आप जो है वहां पर जाकर उन चार्ट को देखकर जो है आपकी अगर कहीं गलती हो रही है किसी स्टॉक में, स्टॉक एनालिसिस करने में, टेक्निकल एनालिसिस में, तो आप गलती अपनी सुधार सकते हैं, जो है आप कुछ सीख सकते हैं। अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो जो है अपनी एनालिसिस भी खुद करें, उसके बाद जो है मैं कॉल देता हूँ ट्रेड लें। थैंक यू, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।